हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बेटा वी आर डिस्कसिंग द लेसन मिनरल रिसोर्सेज। वी यूज मेनी थिंग इन आवर डेली लाइफ, आइदर ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, कार, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, एंड many more things are there in our daily life. We use that things. So have you thought these things are made by which type of things? ये जो चीज़ें हैं वो किन से बनी होती हैं, इनके बारे में सोचा है? Yes, my dear student, that is mineral resources. So we are going to discuss about types of mineral today, and before this we had discussed about the most important thing, that is mineral, and the type of mineral. In type of mineral we saw metallic mineral, and we are discussing about the types of mineral and their great detail. So keep in mind, you can see here types of minerals. Today we are going to discuss about some minerals, that is copper, aluminium, gold, manganese. Today we will discuss about these minerals, that is the metallic mineral. So copper, dear student, in each metallic mineral we will discuss about the use of the mineral, the state where these minerals are found, and some additional information regarding the metallic mineral. So first of all, there is copper. Use kya hai beta iska? इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। इनसे क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल वायर बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसमें हम लोग करंट सेफली फ्लो करा सकें। सो कीप इन माइंड, इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स एंड पाइप्स। बर्तन और पाइप, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? कॉपर से। बेटा द स्टेट वेयर this mineral mainly found in Rajasthan and Jharkhand. It is mainly found in Rajasthan and Jharkhand. Next one is information. It is the first metal to be discovered by humans to make tools and utensils. Yes student, copper is the first metal that is discovered by humans to make tools and utensils. First of all, people make utensils and tools with the help of copper. So keep in mind, it is very important for you. Next is aluminium. The uses of aluminium, it does not rust. मतलब इसमें बेटा जंग नहीं लगती है। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, है ना। इट डज नॉट रस्ट, देयरफॉर इट इज यूज टू मेक बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड कार्स। बेटा इस पे जंग नहीं लगती है, इसलिए जो एयरक्राफ्ट होती है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उसमें एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, और कार को बनाने में भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। बेटा सम स्टेट्स आर गिवन हियर वेयर these metals are found. Aluminium is extracted. Extracted मतलब बेटा होता है निकालना। Aluminium is extracted from bauxite. Reserves of bauxite are found in the Jharkhand. जो reserve है बेटा bauxite का, वो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। Next is additional information. It is light metal. बेटा aluminium is very light metal, so it is
वेरी इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट एंड यू नो इट इट गेट्स हीटेड इन वेरी लेस टाइम. सो वी यूज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स इन आवर किचन एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मेटल फॉर अस. नेक्स्ट इज गोल्ड. बेटा नेम इज इनफ ऑफ गोल्ड. द नेम इज इनफ ऑफ गोल्ड बिकॉज ईच एंड एवरी प्रीशियस थिंग इज कॉल्ड गोल्ड. जो भी चीज़ें बहुत कीमती हैं हमारे लिए वो बिल्कुल सोने के बराबर होती हैं, उसको हम लोग सोना बोलते हैं. इसलिए बेटा गोल्ड इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी. गोल्ड का यूज़ बेटा किस लिए होता है? ज्वेलरी बनाने के लिए. इस गोल्ड से हम लोग क्या करते हैं? सोने के आभूषण बनाते हैं. गोल्ड से क्या करते हैं बेटा? आभूषण बनाते हैं, गहने बनवाते हैं. एंड गोल्ड इज़ द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. मतलब अगर आप ढेर सारा सोना पहने हैं या ज्वेलरी पहने हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसा बहुत सारा है. क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है बहुत ही प्रीशियस मेटल है. नेक्स्ट इज स्टेट वेयर गोल्ड इज मेनली फाउंड और एक्सट्रैक्टेड. सो द स्टेट नेम इज कर्नाटका. द नेम ऑफ द स्टेट इज कर्नाटका. इंफॉर्मेशन इट इज अ रेयर एंड एंड एक्सपेंसिव मेटल. रेयर मतलब बेटा इट इज वेरी हार्डली इट इज फाउंड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेयर. एंड एक्सपेंसिव मतलब होता है खर्चीला. ये बहुत ही रेयर और खर्चीला मेटल होता है गोल्ड, जो कि उसमें बहुत महंगा मिलता है बेटा. मैगनीज. नेक्स्ट वन इज मैगनीज. मैग्नीज इट इज़ यूज टू मेक स्टील एंड ग्लास. यस स्टूडेंट, मैग्नीज आर यूज इन मेकिंग स्टील एंड ग्लास. विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज वी मेक स्टील एंड ग्लास इन विच वी यूज टू ड्रिंक द वाटर. नेक्स्ट इज स्ट्रीट्स वेयर फाउंड. मतलब बेटा ऐसे स्टेट जहाँ पे कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है. सो लेट अस हैव अ लुक. स्टेट्स वेयर फाउंड कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा एंड महाराष्ट्र. बेटा द कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, उड़ीसा भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश भोपाल, गोवा पणजी एंड महाराष्ट्र मुंबई. दीज आर द स्टेट्स वेयर मैग्नीज आर बेसिकली फाउंड. एंड लास्ट पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन. द मेटल लुक्स लाइक आयरन. बेटा द मैग्नीज लुक्स लाइक आयरन. सो कीप इन माइंड इट्स ऑल अबाउट our today's class, my dear student. And in our next class we will discuss about non-metallic mineral. We will see non-metallic mineral in the same way as we saw metallic mineral. Means we will discuss about some important non-metallic mineral uses, streets where they are found, and some additional information regarding non-metallic mineral. And after that we will discuss about the conservation of mineral resources, because minerals are very precious for us and there is need to conserve the mineral resources. So keep in mind and keep on watching my video. Do it like and subscribe if you want to get all my videos, and
डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.